के जो टॉप नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसकी तर्ज पर, जो गिने चुने देश में है उसकी तर्ज पर हम हमीरपुर में भी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक स्पोर्ट्स बनाने वाले हैं, ताकि वहां पर 18 से 20 गेम्स के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो सके और हम भविष्य के ओलंपियंस वहां से तैयार कर सके। हमने उसको शुरू कर दिया है, अभी कुछ गेम्स के खिलाड़ी चयनित कर लिए, लेकिन सेंटर जो बनेगा बड़ा, उसकी ड्राइंग्स अभी बन रही हैं, वो जैसे ही पूरी होती हैं अगले 2 महीनों के अंदर हम उसका शिलान्यास भी कर देंगे और 2 साल से पहले रिकॉर्ड समय के अंदर 24 महीनों के अंदर हम हमीरपुर को नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी देने का काम करेंगे। मित्रों, हमने देश में नवीन जी जिस स्किल डिपार्टमेंट से जुड़े थे, इस साल के लिए लाखों युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने करोड़ों रुपए का बजट भी रखा है। 30 इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम पूरे देश में खोलने वाले हैं, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी देश में हम खोलने वाले हैं, और 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम भारत सरकार करने वाली है। स्टार्टअप्स में अगर आप देखें, भारत कहीं नहीं था आज से 7-8 साल पहले। हम स्टार्टअप्स की नीतियां लेकर आए, मोदी जी ने कहा इनके लिए आप इंसेंटिव दो, इनको फैक्ट्री इंस्पेक्शन से मुक्ति मिले, इनकम टैक्स का रिबेट मिले। उस समय में MOS फाइनेंस था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस था, हमने वो बदलाव लेकर आए, युवाओं ने मेहनत की, और कोविड के समय भी भारत एक ऐसा देश होगा जहां के युवाओं ने एक नहीं अनेक स्टार्टअप्स की शुरुआत की, और आज भारत दुनिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया में 3रे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। ये हमारे युवाओं की ताकत। मैं हिमाचल के कोने कोने में जाता हूं, कोई फूड का स्टार्टअप लेता है, कोई अनन्य क्षेत्रों में जाकर काम कर रहा है। मित्रों, आज युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बना है। जैसे मेरा भारत पहले कभी मदद मांगने वाला था, आज टर्की सीरिया में भूकंप आए, हमारे नेपाल में भूकंप आए, अफगानिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति हो, या टर्की सीरिया से युद्ध जैसी स्थिति से निकाल कर लाना हो, भारत मदद मांगने वालों में नहीं, भारत मदद देने वाला बन गया है अपने।